हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जे एस गिल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, अगर सेल्फ स्टडी के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग को कैसे पढ़ना है। अगर संजल इतनी इंपॉर्टेंट बुक है तो संजल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं स्पेशली जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कि कौन कौन सा एग्जैक्टली टॉपिक क्या पढ़ा जाए बुक में। देखो, बुक बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे तो लगभग ये 1000 पेज का लगभग बुक है। तो क्या 1000 पेज पढ़ना है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बार्क इंटरव्यू देना चाहते हो, इसरो इंटरव्यू देना चाहते हो, DRDO इंटरव्यू देना चाहते हो, या आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर आप वैसे भी कहीं किसी कोचिंग में इनरोल्ड है तब भी अगर आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना है, तो कौन सा एग्जैक्टली टॉपिक पढ़ा जाए ताकि टाइम सेव हो सके। तो आज मैं आपको पिन पॉइंट इस वीडियो में एक एक चीज बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये वाला टॉपिक पढ़ना है और ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, ये थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास जो PDF है, 5th edition है, ठीक है। तो आप जब भी ये टॉपिक सर्च करें, आप डाउनलोड कर लें, 5th edition थर्मोडायनेमिक्स का संजल का PDF है। मैं भी इस ये जो बुक है इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इनकेस अगर आप कोई आपके पास कोई दूसरे एडिशन की बुक है तो हल्का फुल्का शिफ्ट हो सकता है। आप प्लीज़ एक बार इस एडिशन का ध्यान रखें, क्योंकि एडिशन चेंज होने से हल्का फुल्का नंबरिंग में फ़र्क हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोगों टॉपिक्स देखते हैं। देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं, लेकिन जब बुक थर्मोडायनेमिक्स का बात करता है तो वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी इंक्लूड करता है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक से एक्स्ट्रा क्या है, सारे साइकिल्स हैं जो हम REC में वहाँ पढ़ते हैं, साइकोमेट्री है, और जो हम वहाँ पावर प्लांट में पढ़ते हैं पावर साइकिल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट है। तो मैं वो भी बताऊँगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपके किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो फर्स्ट चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड चैप्टर, मैं आपको भी एक एक टॉपिक भी बताने वाला हूँ उसका, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं इन जनरल आपको टॉपिक बता रहा हूँ। फोर्थ टॉपिक भी पढ़ना है, फिफ्थ भी पढ़ना है, सिक्स भी पढ़ना है सेकेंड लॉ, ठीक है, सेवन्थ भी पढ़ना है, एट्थ भी पढ़ना है। अभी देखिए, यहाँ तक आके आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आप यहाँ तक खत्म हो जाता है, सेकेंड लॉ और एक्सर्जी तक। अभी ये गैस पावर साइकिल है, इसमें ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, आपका ब्रिटल साइकिल है। तो आप जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आप IC इंजन में पढ़ते हो, और आपका जो ब्रिटल साइकिल है और आपका जो दूसरे साइकिल्स हैं आप पावर प्लांट में पढ़ते हो। तो ये एक्चुअली आपका पावर प्लांट है, आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में इसको नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। चैप्टर 10 वेपर एंड कंबाइंड पावर साइकिल, तो अब ये रैंकाइन साइकिल वगैरह है, रैंकाइन साइकिल आप पढ़ते होंगे पावर प्लांट में, राइट। तो अगर आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट ये एक्चुअली पावर प्लांट का, अगर आपको देखने में लग सकता है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का इतना बड़ा सिलेबस तो नहीं है, तो एक्चुअली इसमें अप्लाइड भी इंक्लूडेड है। रेफ्रिजरेशन साइकिल ये हम लोग पढ़ते रहे REC में, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। एंड देन इट कम्स गैस मिक्सचर, ये भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। गैस वेपर मिक्सचर एंड एयर कंडीशनिंग, ये REC का हिस्सा है, ठीक है ना। ओके, केमिकल रिएक्शंस ये आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चैप्टर नंबर 15, 16, ठीक है, 15, 16 आपको नहीं पढ़ना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स। कंप्रेसिबल फ्लो, अगेन पहले कंप्रेसिबल फ्लो सिलेबस में नहीं था, अभी कंप्रेसिबल फ्लो सिलेबस में आ गया है, ठीक है। तो अगेन मैं कंप्रेसिबल फ्लो भी बताने वाला हूँ कि आप क्या पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल आपका दो चैप्टर छोड़ के बाकी सारा चैप्टर जो है वो आपके काम का है, और वो दो चैप्टर हैं, आप 15, 16 चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, ठीक है, एंड देन इट कम्स 15th इज फ्यूल कम्बशन केमिकल रिएक्शंस। ये आप दो स्किप करके बाकी आपको सब गेट के लिए और इंटरव्यूज के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब टेबल दिया है, चालू करते हैं पहले कैसे। तो मैं आपको डॉट वो चीज़ बताऊंगा जो जरूरत है पढ़ने का, जो आपको पढ़ना चाहिए, बाकी स्किप कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे ये सब किसी काम का नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टडी। अब बहुत लोग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ये सब चीज़ें पढ़ने लगते हैं। जैसे आप नोट करते जाना कि कौन कौन सा चीज़ आपके लिए पढ़ने वाला है, ठीक है। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जी है, जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, तो 1.1 आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, 1.1 आप नोट कर लो, आपको पढ़ना है, ठीक है, ओके।
ठीक है, आप ये लिख लो, 1.1 आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आप रफली पढ़िएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंड यूनिट। 1.2 आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, 1.2 का जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट है बट आपको पढ़ना नहीं है, उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलेगा, ये भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, ये भी आप स्किप कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1.3 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये बेसिकली बताता है कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम का डिफरेंस, क्लोज सिस्टम, सराउंडिंग, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट। 1.3 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 1.3 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ओके, 1.4 इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, 1.4 आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूम, ये भी पढ़ना है। 1.5 डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपने फ्लूइड में पढ़ रखा है, अगर आपने फ्लूइड कर रखा है तो उसको मत पढ़ना, फ्लूइड नहीं कर रखा है तो पढ़ लेना। 1.6 पढ़ना है स्टेट एंड इक्विलिब्रियम, स्टेट पोस्टुलेट्स आपको पढ़ना है, प्रोसेस एंड साइकिल्स ये पढ़ना है, ठीक है। देन स्टडी फ्लो, इसको आप यहाँ पे चाहो तो स्किप कर सकते हो, स्टडी फ्लो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टडी फ्लो आप, टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, टेम्परेचर स्केल्स आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल, ये मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का है, ठीक है, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आप स्किप कर सकते हो उसको। प्रेशर को आप स्किप कर सकते हो, ये आप थर्मो एक्चुअली फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, 1.10 भी आप स्किप कर सकते हो, अगेन आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, 1.10 आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये मैनोमीटर्स के बारे में, और बेसिकली हम मैनोमीटर्स के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बैरोमीटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आप स्किप कर सकते हो, और फ्लूइड में इसको ऑलरेडी पढ़ोगे डेडिकेटली, तो यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये तो सब कथा कहानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कैसे है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये कंटेंट आप स्किप कर सकते हो, ये भी आप स्किप कर सकते हो, तो ये पेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमार्क ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमेशा आप ये क्या करो, इस बुक का एक खासियत है, इसमें बहुत अच्छा समरी देता है, हर चैप्टर के एंड में आप समरी जरूर पढ़ो। समरी में आपको पूरे जो हर चैप्टर के एंड में ना जो समरी है वो पूरे मतलब एक्चुअली में पूरे टॉपिक का एक सार है, तो आप समरी तो जरूर पढ़ लो, समरी से आपको हर चीज़ का आइडिया लग जाएगा। समरी आप पूरा पढ़ना, ठीक है। जैसे आपने प्रेशर नहीं पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस उस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आप समरी तो पूरा पढ़ना। रेफरेंस वगैरह हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अगेन मैं सेपरेट, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं अभी थ्योरी का बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, अभी सेकंड चैप्टर चालू होगा। एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर एंड जनरल एनर्जी एनालिसिस, ठीक है ना। तो जैसे आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते होगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप सिस्टम, सराउंडिंग, कंट्रोल वॉल्यूम, प्रॉपर्टी, स्टेट इक्विलिब्रियम, है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये सब पढ़ते हो, तो बेसिक खत्म हो गया पहले चैप्टर में। उसके बाद आप हीट एंड वर्क इंटरेक्शन पढ़ते हो, तो आप इसमें हीट एंड वर्क इंटरेक्शन पढ़ोगे बेसिकली। सो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। 2.2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिजिकल इंसाइट इन टू इंटरनल एनर्जी, आप रीडिंग कर लेना इस टॉपिक को, बहुत डिटेल मत पढ़ना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना जस्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह ना के बराबर आता है, ठीक है। मोर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एनर्जी ट्रांसफर बाई हीट, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम कैसे सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, इसमें बताते हैं, ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हीट आप स्किप कर सकते हो, मतलब उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटेटिव
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैसे देख सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनर्जी ट्रांसफर 2.4 इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ये सारी चीजें एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वर्क ये आपको पढ़ना है, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क ये भी आपको पढ़ना है, शाफ्ट वर्क और ये दुनिया भर का जो जितना भी वर्क है, स्प्रिंग वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन इलास्टिक सॉलिड बार ये आप स्किप कर सकते हो, जस्ट पढ़ लो। देखो जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो ना, दो तीन प्रकार का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बाउंड्री वर्क, दूसरा फ्लो वर्क, तीसरा इलेक्ट्रिकल वर्क, चौथा आप जैसे जो जनरल टाइप का आप बात कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा बात करेगा तो ये फिल्म वगैरह का यूजली बात नहीं होता, इलास्टिक बार का नहीं बात होता, स्प्रिंग का भी बात नहीं होता है ना, ये सब बात नहीं होता, ज़्यादातर वही चीज़ बाउंड्री वर्क, फ्लो वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इतना चीज़ें आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क आप चाहो तो पढ़ना स्किप करना, 2.6 आपको पढ़ना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी बैलेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है, इस पर आपको फोकस करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है एनर्जी बैलेंस पे, आप अगर इसको समझ गए तो आपका सारा कहानी हो जाएगा। अगेन मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि बाउंड्री जब सिस्टम के बाउंड्री को एनर्जी क्रॉस करता है तो कैसे क्रॉस करता है, एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, इसको आप स्किप कर सकते हो, इस पॉइंट पे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो, ये पूरा चैप्टर ही आप स्किप कर दो, इसका जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप स्किप कर सकते हो। देन इट कम्स, क्या है ये, एफिशिएंसीज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, स्किप कर सकते हो यहाँ पे इसको, है ना, बाद में ये आएगा तो आप समझ जाओगे, बट वो होता है अननेसेसरी कंटेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है जो आपको बने। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ये थोड़ा सा वैसा टाइप का है, आपके जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्किप कर देना इसको, तो ये सब ऐसे ड्रेन वगैरह है ना, स्किप कर दो आप इसको फिलहाल के लिए, है ना, दैट विल बी बेटर, अननेसेसरी पर नहीं पढ़ना है, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हो, बट अगेन टेक्निकल कंटेंट आपको अगेन मैं बोलूंगा समरी जरूर पढ़ना है इसका, पूरा आप एक बार समरी पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर टू खत्म हो गया, अभी ओपन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री पे। हम आ गए चैप्टर नंबर थ्री, प्योर सब्सटेंस। यूजली जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इसको आखिरी में पढ़ते हैं, है ना, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3.1 आपको पूरा पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फेजेस ऑफ प्योर सब्सटेंस या 3.2 आपको पढ़ना है, फेज चेंज प्रोसेस ऑफ प्योर सब्सटेंस ये आपको पढ़ना है, कंप्रेस लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड वेपर सुपरहीटेड वेपर पढ़ना है, ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर ये भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज डायग्राम फॉर द फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी डायग्राम पढ़ना है आपको, ठीक है, एक्सटेंडिंग द डायग्राम टू इंक्लूड सॉलिड फेज ये आप स्किप कर सकते हो, सॉलिड फेज को आप स्किप कर सकते हो, डायग्राम आप एक बार देख लो बट डिटेल में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पीटी डायग्राम आपको पढ़ना है, ठीक है, पीवीटी आप स्किप कर देना, ये आपका जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, पीवीटी आप स्किप कर देना, ये टॉपिक स्किप कर देना, प्रॉपर्टी टेबल आपको पढ़ना है, सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर स्टेट ये पढ़ना है ना, ये एग्जांपल्स जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बहुत सारा आइडिया लगता है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पढ़ना है, मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ, उस हेडिंग के अंदर का सारा कंटेंट पढ़ना है, ठीक है ना, जहाँ नहीं पढ़ना होगा मैं बताऊँगा, सुपर हीटेड वेपर पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेस लिक्विड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बहुत ज़्यादा आता है, रेफरेंस स्टेट रेफरेंस वैल्यू ये पढ़ना पड़ेगा,
आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ये पढ़ना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मूलर मास वगैरह, वेरी इंपॉर्टेंट इज वाटर वेपर एंड आइडियल गैस, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ना है आपको, अदर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन आप पढ़ लेना ही है, बाकी आप स्किप कर सकते हो जैसे, है ना, दूसरा आप स्किप कर सकते हो, विरल एक्सपेंशन एक देख लेना, तो आप वंडरवॉल पढ़ना, बाकी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये समरी अगेन जरूर देखना, समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन क्वेश्चन है तो स्किप कर रहा हूं। एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम, तो ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है ना। 4.1 मूविंग बाउंड्री वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। ये सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको पढ़ना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट पढ़ना है, इसमें बहुत सारी कम ही चीजें हैं जो आपको स्किप करना है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस ये पढ़ना है, ये एग्जाम्पल्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स गेट के लिए स्पेशली। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आप स्किप कर देना। टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दो। हाँ, समरी अगेन आपको पढ़ना है, ठीक है, समरी पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चंस है, मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जहाँ पे क्वेश्चंस का भी मैं जिक्र करूंगा, तो अभी मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, गेट में पूछे जाने के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत लेंदी भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिखाते हैं। हम लोग मूव कर रहे हैं मास एनर्जी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ओपन सिस्टम नाम से पढ़ते होंगे, उसमें ये कंटेंट आएगा, तो अभी हम लोग मूव कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम में, ठीक है। कंट्रोल कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है मास एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड एंड थर्मो। मास बैलेंस फॉर स्टडी फ्लो पढ़ना है, स्पेशल केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लो ये पढ़ना है आपको। फ्लो वर्क एंड द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ये पढ़ना है, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पढ़ना है आपको, एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय मास ये भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है,
एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टडी फ्लो सिस्टम ये पढ़ना है, ये पूरा आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इस कॉन्सेप्ट पे जो अनस्टडी फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें इस बार काफ़ी एक क्वेश्चन आया था गेट में, ठीक है ना, अनस्टडी फ्लो वाले पे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना है, नॉजल डिफ्यूज़र आपको पढ़ना है, ठीक है। टर्बाइन एंड कंप्रेसर्स आपको पढ़ना है, लेकिन आप रफली पढ़ो ऊपर से, है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कि एक एक चीज़ कंप्रेसर के बारे में, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। थ्रॉटलिंग वॉल पढ़ना है, मिक्सिंग चैम्बर आपको पढ़ना है, हीट एक्सचेंजर्स आप चाहो तो पढ़ो, नहीं तो ये HMT में ऑलरेडी कवर होगा, ठीक है ना, तो ये टॉपिक चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट ट्रांसफर जब आप पढ़ोगे तो उसमें कवर हो जाएगा। पाइप एंड डक्ट फ्लो, एनर्जी एनालिसिस ऑफ अनस्टडी फ्लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, जनरल एनर्जी इक्वेशन ये आप स्किप कर देना, ठीक है, ये आप स्किप कर देना, ये कंटेंट स्किप कर दोगे, ये अभी नहीं चाहिए इसके, ये स्किप कर देना आप, ठीक है। समरी आप एक बार जरूर देखना हर टॉपिक का, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग फोर्थ टॉपिक एंड कर चुके हैं, ये बहुत ही वंडरफुल बुक है, जो इसके ऑथर है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा इस बुक को लिखने में, ठीक है ना, क्योंकि अगेन इसका जो कंटेंट है वो शानदार कंटेंट है, आप पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा इसका लैंग्वेज दूसरे बुक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। मूविंग ऑन टू सिक्स नंबर सब टॉपिक, दैट इज सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से थोड़ा आपको जो समझने में थोड़ा सा दम लगेगा, है ना, वो फर्स्ट लॉ तक इट्स ओके। फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है अनस्टडी फ्लो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट यहाँ से थोड़ा सा आपको सिंसियरली देखना पड़ेगा, ठीक है। 6.1 आपको पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, 6.2 पढ़ना है, ठीक, 6.3 पढ़ना है, थर्मल एफिशिएंसी पढ़ना है, कैन वी सेव क्यू आउट, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स आप जरूर देखें, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, करना है आपको। नेक्स्ट कम्स इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पम्प करना है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस करना है, हीट पम्प्स करना है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये भी करना है आपको, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट करना है, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन्स ये भी करना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपको यही समझ में आएगा, अगर आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पीके नाम में पढ़ोगे आपको मजा नहीं आएगा, यहाँ पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। देन कम्स इरिवर्सिबिलिटीज करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस करना है, कारनॉट साइकिल करना है, रिवर्स कारनॉट कारनॉट प्रिंसिपल्स करना है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल करना है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड है। कारनॉट हीट इंजन ये भी करना है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी करना है, ठीक है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी इन डेली लाइफ ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये जस्ट एक थ्योरी सा है आपको समझाने के लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो पढ़ना, अदरवाइज आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप ये इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये आप छोड़ देना ठीक है, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, यथा अननेसेसरी कथा कहानी है, फिर उसमें मजा नहीं आता, हम टू द पॉइंट रहें, मतलब बाद में जब आपके पास समय हो तो आप बिल्कुल पढ़ें, बट गेट के लिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ समरी अगेन आप जरूर देखें, समरी में आपको इसमें बहुत अच्छा बढ़िया लिखा हुआ है, समरी आप जरूर देखें। अब सेकंड लॉ के बाद आता है एंट्रोपी, सेवेंथ नंबर चैप्टर इज एंट्रोपी, तो ये सारा चीजें आपको देखता हूं मैं, शुरुआत से एकदम चालू करता हूं। तो ये सात नंबर चैप्टर आपका आ गया ठीक है, सात नंबर चैप्टर में एंट्रोपी ठीक है, एंट्रोपी में ये आपको पहला करना है, एंट्रोपी कहाँ से आया ठीक है, 7.1 करना है पूरा आपको करना है ठीक है, ये भी करना है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल ये भी करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपको, सम रिमार्क अबाउट एंट्रोपी ये भी पढ़ना है ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर प्योर सब्सटेंस करना है, आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसीज करना है, प्रॉपर्टी डायग्राम इन्वॉल्विंग एंट्रोपी करना है, व्हाट इज एंट्रोपी ये आप स्किप कर सकते हो ना, ये आप व्हाट इज एंट्रोपी ये आप स्किप कर सकते हो, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप का है, इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, मतलब बाद में पढ़ा लेकिन शुरुआत में आप स्किप कर सकते हो, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी जनरेशन इन डेली लाइफ, ये थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ें हैं, आपको मज़ा अगर लेना है समझना है डेली लाइफ से रिलेट करना तो पढ़ना, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखना तो स्किप कर देना, ये पढ़ना है आपको ये वाला टॉपिक जो है टीडीएस रिलेशन, ये आपको पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड एंड गैसेस ये पढ़ना है, ये आप स्किप कर सकते हो, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, कांस्टेंट स्पेसिफिक हाँ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट आपको पढ़ना है, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आप स्किप कर सकते हो, ये आप स्किप कर देना वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ना, हाँ ये पढ़ना है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट ये पढ़ना है आपको, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आप इग्नोर कर सकते हो, ये आप स्किप कर सकते हो, रिलेटिव प्रेशर एंड रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिवर्सिबल स्टडी फ्लो वर्क ये पढ़ना है, ये भी करना है, मिनिमाइजिंग कंप्रेसर वर्क करना है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर विद इंटरकूलिंग ये भी करना है, हाँ ये भी करना है, आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसीज ऑफ स्टडी फ्लो डिवाइसेस, यूजली आप ये सारी चीजें ना पावर प्लांट में आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, आइसोट्रॉपिक ये भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्रेसर और पंप का आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसी ये भी करना है, आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ नोजल ये भी करना है, एंट्रोपी बैलेंस आपको करना है, एंट्रोपी चेंज फॉर ऑफ सिस्टम ये भी करना है आपको, मैकेनिज्म ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर करना है, एंट्रोपी जनरेशन ये करना है, क्लोज सिस्टम करना है, कंट्रोल वॉल्यूम्स ये भी करना है,
एंट्रोपी जनरेशन एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर प्रोसेस, ये भी करना है। स्पेस बार गेट में क्वेश्चन भी आया था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन गेट में अपीयर हुआ था, ठीक है ना। ये आप स्किप करना है, टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ये नहीं करना है। ये सब नहीं करना है, ये पूरा नहीं करना है। ये अगेन आप समरी जरूर पढ़ना, अच्छे से समरी पढ़ना है इस बुक का। अगेन ये 8 नंबर इज एक्सर्जी अवेलेबिलिटी वगैरह अगेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर 8.1 करना है आपको। डेड स्टेट वगैरह के बारे में दिया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी करना है। रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबिलिटी करना है। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी करना है आपको। एक्सर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम करना है, ये एक्सर्जी बैलेंस से रिलेटेड है, ये भी करना है। ये भी करना है एक्सर्जी चेंज ड्यूरिंग कंप्रेशन, एक्सर्जी ट्रांसफर बाय हीट एंड वर्क, ये भी करना है। एक्सर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, ये भी करना है, ये भी करना है, ये सारा चीज़ें करना है आपको, ये भी करना है। डिस्ट्रक्शन भी करना है, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, एक्सर्जी बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा चीज़ें इसी पे निर्भर करते हैं एक्सर्जी के अंदर, ठीक है। ये करना है पूरा टॉपिक आपको, ये भी करना है। एक्सर्जी बैलेंस फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, ये भी करना है, ये भी करना है। सेकंड लॉ एफिशिएंसी भी करना है। टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आप छोड़ दो, समरी अगेन आपको करना है, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको जीरो तला बता दिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ बता दिया, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए बता दिया। सेकंड लॉ बता दिया, ठीक है ना, एंट्रोपी बता दिया, एक्सर्जी बता दिया। अभी मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के जितने चैप्टर है ना, प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सारे चैप्टर मैंने बता दिए। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का के सब्जेक्ट टॉपिक का बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अप्लाइड का भी बात करने लगे तो वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जब मैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो लेके आऊँगा तो उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आरएसी को डिस्कस करेंगे तो आरएसी में हम डिस्कस करेंगे कि हम सेंजल का क्या हेल्प ले सकते हैं और बाकी बुक से कितना पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबल फ्लो का तो मैं बाकी बुक से बताऊंगा कितना पढ़ना पड़ रहा है और इससे कितना पढ़ना आपको सेंजल से कितना पढ़ना, ठीक उसी तरह पावर प्लांट में। सो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैंने टॉपिक बाई टॉपिक आपको बताने का कोशिश किया कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक स्किप करना है, ठीक है ना। और ये आप जो पढ़ना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये जान लेना कि एग्जैक्टली ये टॉपिक पढ़ना है, ये स्किप करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बार्क इंटरव्यू दे रहे हो, इसरो इंटरव्यू दे रहे हो, DRDO इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ भी आपको ये पढ़ना जरूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लस आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
ठीक है ना, और फ्यूचर में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।